बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 है आज, और आज हमने प्लाज्मिड के बारे में सीखना है, फिर राइबोसोम के बारे में सीखना है, और फिर एंड पे मीजोजोम्स के बारे में देखना है। सबसे पहले हम प्लाज्मिड को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर प्लाज्मिड्स या व्हाट इज प्लाज्मिड, तो आपने उसका जवाब देना है। तो पहले पता हो आपको प्लाज्मिड क्या होते हैं। मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड्स इन एडिशन टू द क्रोमोसोम्स, के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्रोमोसोम के एडिशन में क्या मौजूद होते हैं, प्लाज्मिड मौजूद होते हैं। ठीक है, के क्रोमोसोम के अलावा भी कोई और चीज़ भी होती है बैक्टीरिया के अंदर जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं, सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ठीक हो गया, तो ये सपोज बैक्टीरिया है और ये उसका क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, उन क्रोमोसोम्स के अलावा, ठीक है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसको आप क्या कहते हो, प्लाज्मिड कहते हो। सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे चलते हैं, प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, कि ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद तकसीम हो सकते हैं, मगर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं होते, कि बैक्टीरिया के साइज़ के लिए ज़रूरी नहीं है ये, और बैक्टीरिया के केमिकल रिएक्शन के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। अब काम क्या है फिर इनका, दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट हैवी मेटल डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स ऑन देम, इनके पास जीन्स होती हैं। बैक्टीरिया के पास क्या होती हैं बेटा, जीन्स होती हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट होती हैं, हैवी मेटल रेजिस्टेंट होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होती हैं वो जीन्स। सो जिनकी वजह से इनके ऊपर ड्रग का असर कम होगा, हैवी मेटल का असर कम होगा, डिजीज़ का असर कम होगा और इंसेक्ट रेजिस्टेंट का मल भी कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास जीन्स होती हैं, प्लाज्मिड के पास जीन्स होती हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ क्या रखती हैं, रेजिस्टेंस रखती हैं। आगे आपकी इंफॉर्मेशन है कि प्लाज्मिड्स आर इम्पॉर्टेंट वैक्टर्स इन मॉडर्न जीनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, आपने 10th में पढ़ा था के वेक्टर्स दो इस्तेमाल किए जाते हैं जीनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में हम दो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ कि प्लाज्मिड्स आर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जीनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो क्विकली रिवाइज कर देते हैं, प्लाज्मिड आपने कवर किया कि मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड इन एडिशन टू क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट हैवी मेटल रेजिस्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स ऑन देम, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट प्लाज्मिड्स आर इम्पॉर्टेंट वैक्टर्स इन मॉडर्न जीनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। I come to the next topic, that is ribosomes, and you know that the bacterial ribosomes are smaller in size than eukaryotic ribosome and they are about 70s, while eukaryotic ribosome they are larger and they are 80s, while the prokaryotic ribosomes which we are studying they are smaller and they are 70s. And you know that ribosomes are involved in protein synthesis. So, देखते हैं ribosomes को. Ribosomes are composed of RNA and protein. ये जो ribosomes होते हैं ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक इनके अंदर RNA होता है और ribosome के अंदर क्या होती हैं बेटा, proteins होती हैं. Some may also be loosely attached to the plasma membrane. कुछ जो ribosomes होते हैं वो plasma membrane के साथ भी loosely attached होते हैं. बाकी काम आपको पहले पता है, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स आर फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन, इट मीन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम, सो प्रोटीन जो है राइबोसोम में बनती है, इसी वजह से हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम।
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द राइबोसोम्स इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल, कि बैक्टीरिया का जो एक सेल होता है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम मौजूद होते हैं। नंबर अगर देखें तो थाउजेंड राइबोसोम बैक्टीरिया के एक हेल्दी ग्रोइंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और बाकी ये बात भी आपको पहले पता है बेटा, दे आर स्मॉलर देन यूकेरियाटिक राइबोसोम, और आप लिख दीजिएगा 70S होते हैं। ठीक हो गया कि ये यूकेरियाटिक राइबोसोम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये वो टैनी ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन के बगैर होता है। दीज आर द ऑर्गेनेल विच आर विदाउट मेम्ब्रेन, सो दिस इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकेरियाटिक सेल। हाउएवर द साइज इज डिफरेंट ऑफ द राइबोसोम ऑफ द यूकेरियोट्स एंड ऑफ द प्रोकैरियोट, इट इज स्मॉलर इन द यूकेरियोट्स, स्मॉलर इन द प्रोकैरियोट्स, लार्जर इन द यूकेरियोट्स। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा मीजोजोम का, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लाज्मिड भी आता है, मीजोजोम भी आ जाते हैं। तो द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इधर देखें बेटा ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह सीधी नहीं होती, वो अक्सर जो है ये सेल वाल है, बाहर वाली क्या है सेल वाल है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट करती है, अंदर की तरफ क्या करती है इनवेजिनेट करती है, और इस तरह होलो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, इन्हीं को हम मीजोजोम कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा हम, इन्हीं को हम मीजोजोम्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ही है बेसिकली, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही है जो अंदर की तरफ क्या कर जाती है इनवेजिनेट कर जाती है, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम क्या कहते हैं मीजोजोम कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म, ये दरमियान में साइटोप्लाज्म है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, और सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया साइटोप्लाज्म की तरफ इनवेजिनेट कर गई, इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। ठीक हो गया, तो इन्हीं को बोलते हैं मीजोजोम। ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये वाली ये वाली ये वाली सारे, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा मीजोजोम कहलाते हैं, इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं मीजोजोम। ठीक हो गया, ओके। द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम। अब मीजोजोम के फंक्शन देख लें, पहला काम मीजोजोम का क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, मीजोजोम डीएनए की रेप्लिकेशन करती है। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन में इन्वॉल्वड है। सम मीजोजोम्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, के जो एंजाइम सेल से बाहर काम करते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम होते हैं उनकी एक्सपोर्ट में भी क्या करती है हेल्प करती है। और चौथा काम क्या है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम मीजोजोम। आपने कहा था कि जो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट करती है तो चूंकि वो एंजाइम कहाँ पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, तो वो एंजाइम जब सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और मीजोजोम भी सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन है तो वहाँ पे भी वो एंजाइम चले जाते हैं, तो ये जो मीजोजोम है यहाँ पे रेस्पिरेशन का अमल भी होता है क्योंकि एंजाइम रेस्पिरेशन के सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की ही इनवेजिनेशन है तो यहाँ पे भी रेस्पिरेशन का अमल होता है। सो क्लियर कर लें कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम मीजोजोम विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, सम मीजोजोम आर आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, एक्सपोर्ट कराती है उनको बाहर भेजती है एक्सोसेलुलर एंजाइम को, इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, इन्वॉल्व इन डी एन ए रेप्लिकेशन, एंड सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम। ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, अल्लाह हाफिज़।